नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पटना के जिला शिक्षा कार्यालय ने बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आरटीई के मानकों को पूरा नहीं करने वाले जिले के 433 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। वैसे यह निर्णय उन स्कूलों के लिए लिया गया है जो पिछले साल में निर्धारित आरटीई मानकों को पूरा नहीं कर पाए। पटना जिले में शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आरटीई अधिनियम 2009 के मानकों का उल्लंघन करने वाले 433 निजी स्कूलों की मान्यता अब रद्द कर दी है। ये कदम राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बच्चों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार विगत सालों में शिक्षा विभाग के ई संबंधन पोर्टल पर 1816 निजी स्कूलों ने आवेदन अपलोड किया है। इन स्कूलों के आवेदन के आधार पर प्रखंड स्तर पर निजी स्कूलों के आवेदन की जांच की गई। जांच में 433 निजी आरटीई के मानक पर खड़े नहीं उतरे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन स्कूलों की संबद्धता रद्द करने का आदेश दिया है। जिला और प्रखंड स्तर पर आवेदन रद्द करने के बाद 1383 स्कूलों के आवेदन की जांच के लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। उक्त प्रखंड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 1053 निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि सभी प्रखंड जिला पदाधिकारियों द्वारा शेष 330 विद्यालय में से 85 विद्यालयों की जाँच कर ई संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति के लिए अग्रसारित किया गया है। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि ई संबंधन पोर्टल पर अग्रसारित किए गए 85 स्कूलों को प्रस्वीकृति मिल गई है। प्रस्वीकृति प्रदान किए जाने वाले में पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय के यू डाइस पोर्टल और ज्ञानदीप पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, शेष 145 विद्यालय की जाँच प्रक्रिया को 20 सितम्बर 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को यू डाइस पोर्टल और ज्ञानदीप पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय से अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह निर्णय न केवल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वैसे कुछ दिनों पहले भी पटना में जिला शिक्षा कार्यालय ने 7 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। कार्यालय का कहना है कि इन स्कूलों ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर बच्चों की जानकारी अपलोड नहीं की। ये जानकारी सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों का नाम और आधार नंबर पोर्टल पर डालना ही था। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई उनमें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं है। साथ ही बिना आधार वाले बच्चों का नाम भी पोर्टल पर नहीं डाला गया है। सभी स्कूलों के लिए बच्चों का आधार नंबर के साथ ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जानकारी डालना जरूरी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि स्कूलों में नामांकित सभी निजी विद्यालय को आधार संख्या सहित बच्चों का नाम पोर्टल अंकित किया जाना है। जिन निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति रद्द की गई है वहां अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन 0 है। इसके अलावा बिना आधार वाले बच्चों का नाम पोर्टल पर अंकित नहीं किया गया है। सभी स्कूलों को उनके नामांकित बच्चों का आधार संख्या के साथ ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रविष्टि करना अनिवार्य है। वैसे बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में भी जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को अधिनियम पारित किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 साल के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और इसने भारत के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया है। यह प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करता है, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अभ्यास कराने से रोकता है और प्रवेश के समय बच्चों के दान शुल्क और सकारात्मक के खिलाफ वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से सभी मोहल्ले पर नजर रखता है और उन बच्चों की पहचान करता है जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। भारत में कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों पर शैक्षिक चुनौतियां प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र, राज्य और सभी स्थानीय निकाय शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, यानी कि हाईलाइट करता है। वैसे बता दें कि भारत में क्लास 8 तक
एक किलोमीटर के भीतर पड़ोस के स्कूल में प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है। कोई भी बच्चा फीस या कोई अन्य शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने से रोक सकता है। निःशुल्क शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक, वर्दी, स्टेशनरी आइटम और विशेष शैक्षणिक सामग्री का प्रावधान भी शामिल है ताकि स्कूलों के खर्चों का बोझ कम किया जा सके। वैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात कक्षाएं लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय, पेयजल सुविधा, स्कूल कार्य दिवसों की संख्या, शिक्षकों के कार्य घंटे आदि से संबंधित मानदंड और मानक निर्धारित करता है। इतना ही नहीं, भारत में प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए इन मानदंडों का पालन करना होता है। वैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये अनिवार्य किया गया है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला दिलाया जाए तथा उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपनी आयु के अनुरूप सीखने के स्तर तक पहुंच सके। वैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करके शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती का प्रावधान करता है कि प्रत्येक विद्यालय में निशिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखा जाए और शहरी ग्रामीण असंतुलन ना हो। ये उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों यानी कि प्रशिक्षित प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति को भी अनिवार्य बनाता है। वैसे लेकिन इन मानदंडों को पटना के कई सारे स्कूल निजी स्कूल ने नहीं माना है जिसके बाद उन पर यानी कि उनके स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।